गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं को भगवान याद आने लगे हैं। उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान करने पर ममता बनर्जी को भी घेरा तो कांग्रेस के अस्तित्व के सवाल पर कटाक्ष भी किया। दिग्विजय सिंह के सरकारी संपत्तियों के बेचने के आरोप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। क्या कुछ और कहा है उन्हें, आप सुनिए। सिद्धिविनायक के दर्शन करने गई थी, यही तो मैं कहता हूँ कि और कितने अच्छे दिन चाहिए। ममता बनर्जी दर्शन करने जा रही हैं, कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, केजरीवाल राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, राहुल जी कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडित बन रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्हें इफ्तार से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, लेकिन अब देश के अंदर परिवर्तन आ गया है राजनीति के अंदर और अब इन्हें सब करना ही पड़ेगा। जहां तक राष्ट्रगान का आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, ये राष्ट्रगान का ममता बनर्जी ने अपमान नहीं किया, ये देश का अपमान है। ये पश्चिम बंगाल का भी अपमान है, रविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा रचित ये था और उसका भी उन्होंने अपमान किया है। देखिए, मैं प्रारंभ से कहता हूं कि महान भारत को बदनाम भारत ये यूपीए वाले ही करते हैं, राष्ट्रगान का अपमान भी यही लोग करते हैं, सेना पर सवाल भी यही लोग उठाते हैं, जहां भी वैक्सीन पर सवाल ये लोग उठाते हैं, जहां भी देश का मान बढ़ेगा वहां ये अपमान करने की कोशिश करते हैं। ये सब प्रकारांतर में टुकड़े टुकड़े गैंग के ही लोग हैं। न बुआ साथ है, न बबुआ साथ है, न दीदी साथ है, न शरद पवार जी चाचा साथ है हमारे। इतने पर भी कपिल सिब्बल अगर कांग्रेस के यूपीए की आत्मा बता रहे हैं तो बिना शरीर की, सारे दल अलग हो गए तो बिना शरीर के ये आत्मा महज प्रेतात्मा बन के घूमेगी। अब नेतृत्व में नहीं कर रहे हैं वो। प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश में नौकरी देने का वादा कर रही है, तो राजस्थान के लोग हैं जो वहां पहुंच गए, कह रहे हैं कि यहां तो दिलवा दो। बड़ा दुखद है वो, जिस तरह का झूठ वो बोलते हैं। और एक हमारी बिटिया ने तो वहां सुनने में आया कि सुसाइड भी कर लिए। अब वाड्रा जी को सोचना चाहिए कि आखिर एक ही झूठ को लगातार कितने प्रदेशों में बोलेंगे। मध्य प्रदेश में कर्जा माफी झूठा निकला, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में झूठा निकला, अब उत्तर प्रदेश में बोल दिया। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस ने तो बनाया कुछ है ही नहीं। सीखे कांग्रेसियों ने अपने अपने घर बनाए होंगे और जनता को बेवकूफ बनाया होगा, जैसे अभी कर्ज माफी में बनाया, जैसे नौजवान को, तो सिर्फ बेवकूफ बनाया है उनने। और इसलिए ऐसा नेतृत्व मिला है वर्तमान में उनको, क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में कल ही यूपीए के घटक बोले। अब हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है, अगर कुछ बनाया होता तो ऐसे साथ छोड़ छोड़ के इतने बड़े बड़े दल नहीं जाते। सिद्धिविनायक के दर्शन करने गई थी, यही तो मैं कहता हूं कि और कितने अच्छे दिन चाहिए। ममता बनर्जी दर्शन करने जा रही हैं, कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं,